नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। तबलीगी जमातियों पर मुकदमा वापसी की मांग को लेकर AIMIM ने सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बलिया यूनिट द्वारा हाई कमान के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तबलीगी जमात के लोगों पर दर्ज आपराधिक मुकदमों को वापस लेने के संदर्भ में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी बेलचा रोड बलिया के माध्यम से पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट अमानुल हक अब्बासी के नेतृत्व में दिया गया। कोरोना काल में तबलीगी जमात के लोगों पर दर्ज कराए गए मुकदमों के खिलाफ एकजुट बलिया जनपद के AIMIM पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट अमानुल हक अब्बासी व पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बलिया के बेलचा रोड उप जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बलिया जनपद के जिला अध्यक्ष एडवोकेट अमानुल हक अब्बासी उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जिन मीडिया वालों की वजह से तबलीगी जमात के लोगों पर फर्जी मुकदमा कायम हुए थे, मैं उनसे मांग करता हूं कि वह चैनल पर आकर खुद माफी मांगे। ज्ञापन सौंपने वालों में विधानसभा अध्यक्ष शाहीन आलम, विधानसभा महासचिव समीर फारूकी, संगठन मंत्री जियाउल हसन, जिला अध्यक्ष यूथ साजिद अंसारी, हैदर अली, हृदय पांडे, अमीन अंसारी, सन्नी वर्मा, सूर्यदेव रिजवान, विजेता मुजाहिद, वाकर अहमद आदि मौजूद रहे। बलिया से न्यूज 9 भारत के लिए मोहम्मद सोफियान की खास रिपोर्ट। मैं अमानुल हक अब्बासी, जिला अध्यक्ष AIMIM पार्टी। आज पार्टी हाईकमान के निर्देश पर हम लोगों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय बल्थराउट के माध्यम से सौंपा। इस संबंध में कि तबलीगी जमात के ऊपर जो है फर्जी मुकदमे कायम किए गए थे और उन मुकदमों के बाबत बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो है ये कहा है अपने फैसले में कि उनके ऊपर जो मुकदमे कायम हुए थे वो गलत हुए थे और वे लोग निर्दोष हैं। इसलिए हमने जो है मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंप कर ये मांग की है कि उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में जिन जिन तबलीगी जमात के लोगों पर मुकदमा कायम किया गया है उसे तत्काल वापस लिया जाए ताकि जो है अदल और इंसाफ कायम हो सके। और हमारी पार्टी जो है हमेशा जो है गरीब मजलूम बेगुनाह लोगों के लिए संघर्ष करती रही है, करती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और जिन मीडिया वालों की वजह से तबलीगी जमात के लोगों पर फर्जी मुकदमे कायम हुए, मैं उनसे मांग करता हूं कि वे चैनल पर आकर के खुद माफ़ी मांगे, वरना जो है इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है उनके खिलाफ जो है एक्शन लेने पर। आपको मालूम है कि तबलीगी जमात के लोगों पर जो है मुकदमे कायम हुए थे, उन मुकदमों को वापस लेने के संबंध में जो है आपने महाराष्ट्र ने जो है जीप संख्या 548/320 और 502/320 में ये फैसला दिया है कि जो तबलीगी जमात के जो लोग हैं वो निर्दोष और उनके ऊपर जो FIR दर्ज हुआ है वो गलत हुआ है। लिहाजा जो है मुख्यमंत्री महोदय के चैनल अपना दिया जा रहा है ताकि जो है उन लोगों के ऊपर से जो है दर्ज मुकदमे वापस किए जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है हमारे प्रयासों को माध्यम से पहुँचाने वाले।